भैया बताओ यार कैसा दिन है, पूरी बैटरी रिक्शा में मेरा पूरा आउटफिट और सारा मेकअप खराब हो गया। ओए माँ, बर्थडे गर्ल को बैटरी रिक्शा में आना पड़ रहा है, कोई बात हुई? कितने हुए भैया? सेक्सी ये घटिया से शूज। अदिति हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू सो मच। तुम आए कैसे हो? तुम गाड़ी से आए हो? हाँ यार ऑब्वियसली गाड़ी से आए। और वैसे भी हमारे आउटफिट्स देखिए, वो कोई रिक्शे में आने वाले थोड़ी है। मैं तो बैटरी रिक्शा में आई हूँ। क्या रिक्शे में? अच्छा अच्छा चल कोई बात नहीं। वैसे भी ना हमने तेरे लिए बर्थडे पार्टी का एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। सच्ची की क्या जरूरत थी? चल ना। चलो। ओए माँ, ओए माँ। एक मिनट। वाओ यार ये कितनी ब्यूटीफुल डॉल है। वैसे भी मैंने आदिति के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया है। एक काम करती हूँ, उसको ना यही दे देती हूँ, पैसे भी बच जाएंगे। चल 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 चलो 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 ऊपर चलो। ओह माय गॉड, इतनी प्यारी लोकेशन, इतना अच्छा अरेंजमेंट, तुमने तो मेरे आंसू दिला दिए। आज सबको ये बेस्ट बर्थडे होने वाला है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तेरे लिए और बहुत अच्छे अच्छे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। चल अभी केक काटते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू थैंक यू। ओह माय गॉड, हेलो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तेरे लिए तो अभी एक और सरप्राइज बाकी है। और नहीं तो क्या, तभी तो हमने तुझे कहा था कि तू अपने बॉयफ्रेंड को मत आइयो और हम दोनों अपने बॉयफ्रेंड्स को मिलाए। संसार हो तुम। यार इस लड़के को देख के ना मेरा दिल रुक रहा है और ना ही मेरा पैर रुक रहा है डांस करने के लिए। चलो ना डांस करते हैं। लगता है ये गुस्सा हो गई।
सत्यानाश जाए लड़कियों का, सारा मुंह खराब कर दिया। एक तो पहले से मेकअप अच्छा नहीं हुआ था और बेकार कर दिया। जान जान जान। ऐसा लग रहा है डॉल उससे बातें कर रही है। जान जान जान। जान जान जान। चम चम चम। आदिति गुस्सा थूक देना, उसने मजाक में केक खिलाया था। हाँ यार मैंने तो मजाक में लगाया था, प्लीज गुस्सा मत हो ना। हे गर्ल्स ये देखो मैं तुम्हारे लिए बॉटल लाया हूँ, चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। अरे ये तो आदिति की फेवरेट गेम है, आदिति तो खेलेगी ना। हाँ खेलूंगी मैं, चलो खेलते हैं। चलो मैं तुम्हें डेयर देता हूँ, तुम मुझे उड़ के दिखाओ। परी हो ना, वैसे भी सारी लड़कियां तो पापा की परी होती हैं, तो तुम मुझे उड़ के दिखाओ। बहुत हंसी आ रही है ना, मैं तो पापा की परी ही बन सकती, पर तुझको पापा का परा बन के जरूर आसमान में उड़ा सकती हूँ। ये क्या तरीका है, मतलब तुम्हारा बर्थडे तो तुम मुझे कुछ भी बोलोगी? अच्छा लगता है ऐसे यकीन नहीं हो रहा ना, अभी यकीन दिलाती हूँ। सॉरी सॉरी अदिति, इसे नीचे उतार, इसे नीचे उतार। चुपचाप दोनों नीचे बैठो, नहीं तो तुम्हें भी इसकी तरह आसमान में उड़ा दूंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, हमें नहीं उड़ना। प्लीज मुझे नीचे उतार दे, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। अब क्या हुआ, अच्छा लग रहा है ऊपर? हाँ यार मेरी माँ यकीन हो गया, प्लीज मुझे नीचे उतार। चलो खेलो। इसको क्या हो गया, बॉटल फिर से तुम पे आई है। अब मैं तुम्हें डेयर दे रही हूँ कि तुम जो भी हो अपने असली रूप में आओ। मैं तो अपने असली रूप में आ जाऊंगी, पर तुम सब तैयार हो मुझे ऐसे रूप में देखने के लिए? हाँ हाँ तैयार हैं, तैयार हैं। ठीक है फिर। मम्मी मम्मी बस करो। मम्मी रुको, कहाँ जा रहे हो? अदिति छुड़ैल, अदिति छुड़ैल प्लीज मुझे घर जाने दे, मेरे पापा ने ना मुझे भैंस को चारा खिलाने के लिए कहा है, और अगर मैं टाइम पे घर नहीं गया ना तो वही चारा मुझे मेरे पापा खिला देंगे। और हम दोनों की मम्मी ने बोलता घर पे टाइम से नहीं आया ना तो बहुत पीटेंगी और हमें रात का खाना भी नहीं देंगी। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा कुछ भी करे, मेरे साथ नहीं खेला तो मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगी। बताओ खेलोगे या नहीं? मम्मी पापा से तो भगवान भी बचा लेंगे, लेकिन तुमसे कौन बचाएगा? हाँ खेलेंगे खेलेंगे। मैं तुम्हें डेर देती हूँ कि तुम मुझे कोई भूतिया कहानी सुनाओ। ठीक है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो बहुत ही सच्ची और बहुत ही डरावनी कहानी है। एक टाइम की बात है, एक दूल्हा था और एक दुल्हन थी। दुल्हन बेचारी अपने रूम में बैठ के रोए जा रही थी। तब दूल्हे ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी? तो दुल्हन ने बताया कि मुझे शादी तो करनी थी लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे घोड़े से। तब दूल्हे ने पूछा कि तुम्हें मेरे घोड़े से क्यों शादी करनी है? तो दुल्हन ने उसे बताया कि वो कोई घोड़ा नहीं है बल्कि वो मेरा पिछले जन्म का राजकुमार है जो इस जन्म में घोड़ा बन के मुझे वापस लेने आया है। तो दूल्हे ने उससे बोला, तो ठीक है ना मैं भी तुम्हें चाकू मार देता हूँ, फिर तुम मर जाओगी और तुम भी घोड़ी बन जाओगी और घोड़ी बन के तुम अपने घोड़े से शादी कर लेना। तो फिर दूल्हे ने उसको चाकू मार दिया और वो दुल्हन मर गई, और फिर जब वो घोड़ी बन गई तो उसने अपने दूल्हे से शादी कर ली और अब वो घोड़ा घोड़े दोनों बहुत खुश है। अरे ये तो कितनी डरावनी कहानी है। थैंक यू। चुप करो, ये डरावनी कहानी है, इसे तुम कहानी कहते हो? अच्छा, तुम्हारी कहानी क्या है, तुम कैसे भूत बनी? मेरी कहानी बड़ी दुखदाई और बड़ी डरावनी रही है। एक दिन मैं भी अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही थी, उसके लिए गुड़िया लेके, और जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो एक नालायक ड्राइवर अपना ट्रक चला के ला रहा था और उसने बिना देखे मुझे कुचल डाला।
और मैंने फिर वहीं अपना दम तोड़ दिया और मैं मेरे गुड़िया में कैद हो गई काफी सालों तक। और फिर तुम आई और तुमने मुझे आजाद कर दिया। तो अब मैं तुम सबका सर्वनाश करूंगी, तुम्हारा खून भी होगी, तुम्हें जीने नहीं दूंगी। चम चम चम, रुक जाओ, प्लीज अभी बंद रहो। कहाँ जा रहे हो? अभी आ रही हूँ, एक एक को मजा चखाऊंगी। जम जम जाओ, जम जम जाओ। Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. बहुत हो गया इधर से उधर भागना, थक गई हूँ मैं। चलो अब कुछ नाच गाना हो जाए, नाच के दिखाओ। अरे बस बस, अब और डांस नहीं करा जाएगा, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रही है। हाँ, अब हम लोग और नहीं नाच सकते। अच्छा, तो ऐसे नहीं नाचोगे? मेरे पास और भी तरीके तुमसे अपना काम करवाने के। जम जम जम, अब जैसा जैसा मेरी डॉल करेगी वैसा वैसा तुम बिना चाहे भी तुम्हें करना पड़ेगा। ए दुनिया उठ पटांगा, किते हाथ ते किते टांगा, रत कुकड़ी देंदी पांगा, ए ते चक दे पट्टे। ए दुनिया खेल तमाशा, ए टेढ़ी मेढ़ी भाषा, ए बिच बिच ठाठू। पद्दा मेकअप करा इस लड़की ने मेरा, इससे अच्छा मैं खुद कर सकती थी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना। इस वीडियो को चला दिया तो अगले पार्ट में मैं इनको भी बहुत बना दूंगी। तो इस वीडियो को फैला दो, आग लगा दो। मिलती हूं मैं जल्दी एक प्यारी सी लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।